नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। खबरें सबसे पहले आप। आज के टॉप हेडलाइंस है, पाकिस्तान एससी ने सार्वजनिक कोष के उपयोग को लेकर इमरान को जारी किया नोटिस। एफएटीएफ की बैठक से पहले पाकिस्तान की खुली पोल, आतंकी फंडिंग को लेकर 40 सिफारिशों में से केवल 2 पर किया अमल। अब क्या करेंगे केपी ओली, नेपाली जमीन पर चीनी कब्जे के खिलाफ अपनी ही पार्टी में उठी आवाज। पोल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को अर्थशास्त्र में मिला नोबेल पुरस्कार। कोरोना वायरस से ब्राजील बिहार, अब तक 1.5 लाख लोगों की मौत। हाथरस घटना को लेकर दलित वोट की राजनीतिक घेराबंदी की तैयारी, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, जेडीयू हुई डिफेंसिव। कोर्ट ने चिकित्सा अधिकारी की भीड़ द्वारा हत्या मामले में 25 लोगों को दोषी ठहराया। दुर्गा पूजा पर बंगाल के लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का दौरा भी संभव। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त अवसर देने की मांग को सुप्रीम कोर्ट में याचिका। बॉलीवुड को गंदा ड्रगी कहने पर 2 प्रमुख टीवी चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर। मुजफ्फरपुर में शादी की जीत पर अड़ी 2 सहेलियां, थाने पहुंच खाई साथ जीने मरने की कसम, उलझन में पुलिस। बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की मुख्य 2 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी एलजेपी। जेडीयू वर्चुअल रैली में सीएम नीतीश बोले, विपक्ष में बैठे लोगों के पास न अनुभव न काम करने में दिलचस्पी। सुशांत सिंह केस में संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर सहित 7 बॉलीवुड स्टार को नोटिस भेजने के आदेश। चुनावी कैंपेन को आगाज करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हमने कर ली कोशिश, बिहार में नहीं लग सकते हैं बड़े उद्योग। कटिहार के तेजाटोला में अजगर निकलने से लोगों में मचा हड़कंप, वन विभाग ने पहुंचकर अजगर को पकड़ा। पुलिस लाइन में पुलिस अवर निरीक्षक के निधन पर शोक सलामी का हुआ आयोजन, एसपी ने दी श्रद्धांजलि। कटिहार के मंत्री विनोद सिंह जी का हुआ निधन। बिहार सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह के निधन पर जिले में शोक की लहर, बीजेपी नेताओं ने किया दुख व्यक्त। रातों रात स्टार बनी रानू मंडल को नहीं मिल रहा इंडस्ट्री में काम, 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े। कटिहार जिला के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम में 2 दिन से खुले पड़े हैं सब, दुर्गंध के कारण मरीजों को हो रही परेशानी। बागमारा में गश्त के दौरान पुलिस ने एक शराबी को किया गिरफ्तार, मेडिकल कराकर भेजा जेल। सिंगलपुर गांव में 2 बच्चों के बाप ने 11 वर्षीय बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य ने दुर्गा पूजा एवं दिवाली को लेकर स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27।